तो दोस्तों, अगर आप सभी YouTube वीडियोस को बनाते हैं और काइनमास्टर को नहीं चलाना आता है, आप कोई भी लेयर नहीं लगा पाते हो अपनी YouTube वीडियोस में, अगर लेयर आपको नहीं लगानी आती है, आज इस वीडियो में आप सभी को सिखाने वाला हूं कि कैसे आप लेयर को लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपको करना क्या है, आपको अपने काइनमास्टर पर आ जाना है। यहाँ पर आपको इस तरीके से अपने काइनमास्टर को यहाँ पर ओपन कर लेना है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद दोस्तों, आपको यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और 16:9 का रेशियो बाद में मीडिया ब्राउजर यहाँ पर ओपन हो जाएगा। आपको कोई भी वीडियो यहाँ पर निकाल लेनी होगी जिसमें आप लेयर लगाना चाहते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक वीडियो को यहाँ पर इस तरीके से ये निकाल लिया है। ये वीडियो मेरा यहाँ पर चलता हुआ वीडियो है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मेरा यहाँ पर वीडियो बना हुआ है। उसके बाद में दोस्तों, यहाँ पर लेयर के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। लेयर को लगाने के लिए मीडिया पर जाना है, फिर आपका जो मीडिया ब्राउजर है यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद में जो भी आप यहाँ पर लेयर लगाना चाहते हैं, कोई भी वीडियो लगाना चाहते हैं, कोई भी इमेज लगाना चाहते हैं, तो आपको जो चूज़ करना है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर अगर लेयर लगाने के लिए कोई भी इमेज चूज़ कर ली, तो यहाँ पर इस तरीके से आपकी जो इमेज है वो यहाँ पर आ जाएगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर अगर आप इसे पूरा रखना चाहते हैं तो आप इसे पूरा भी रख सकते हैं स्क्रीन पर। अगर आप पूरा रखना नहीं चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, उसके लिए यहाँ पर किनारे रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर भी रख सकते हैं। येलो येलो कलर की पट्टियाँ चारों ओर से दिखाई दे रही होंगी इस इमेज पर। इसे चाहे तो आप इतना बड़ा भी कर सकते हैं, चाहे तो इसे छोटा भी कर सकते हैं, चाहे तो पूरी की पूरी वीडियो पर भी इसे यहाँ पर इस तरीके से आप लगा सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप आपको पता लग गया होगा कि लेयर को कैसे लगाते हैं। अगर आप सभी समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक दोस्तों, नमस्कार।